अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी पॉजिटिव फैमिली। अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ मेरे लिए, बच्चों के लिए, आमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए किया करें कि अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं आगाज। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो आपसे रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप इरमा पी चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी ना जाओ, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, तो बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो नाले जरा वीडियो नू वॉच भी कर लिया करो तो बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी तुहाडी सब दी, ते अल्लाह तुहाडे ते अपना करम भी रखेगा। फिर तो बस जी, अभी ये जो आज वाला व्लॉग मैं शेयर करूंगी ना, ये बड़ा ही मज़े का बहुत मज़े का ये होगा क्योंकि इसमें दो दिन की वीडियो जो है ना वो इकट्ठी हुई है, दो दिन की वीडियो इकट्ठी हुई है। तो मैंने ना सोचा कि चलो आज आपको ये सारी जो है ना इकट्ठी ही शेयर करती हूँ और बहुत बहुत मज़ा आएगा आपको देख के कि इसके अंदर हो क्या रहा है। तो मैंने अभी ना ये देखिए बर्तन जो धुल के रखे हुए थे कुछ डिश वाशर में थे, इनके टक्कन टुक्कन वो आए लाइक अथना काम करना पड़े तो वो इनको रखा है। मैंने कहा इनको रख दूं कि हांडी हमारी जो है वो बनी हुई है, अम्मी ने लैम और करेले पकाए हैं तो वो हमारे पड़ गए हैं, पड़े हुए हैं, बस रोटी बनेगी। तो कुछ चने वाले चावल और चिकन का सालन फल वाला भी पड़ा हुआ है, मैं वो अभी खाऊंगी क्योंकि अम्मी ने वो घर से बना के दिया था और अभी अम्मी जो हैं वो बना के गए हैं, गए नहीं है इधर ही हैं, करेले और अम्मी ने बनाया है लैम का सालन। पहले हमने सोचा था कि हम करेले गोश्त बना लें, फिर मैंने अम्मी को बोला कि पता क्या करें, करेले सेपरेट बना लें और जो है लैम को भून दें, बस भुना भुना बना दें तो वो अपना सेपरेट कर दें। तो फिर अम्मी ने ना दो हांडियाँ बना दी हैं तो वो जो हैं हांडी मेरी बन गई है क्योंकि मेरे से ना कटिंग आजकल बिल्कुल भी नहीं होती क्योंकि मैं कुछ कटिंग नहीं कर सकती, प्याज लहसुन कुछ नहीं कर सकती। तो फिर अल्लाह अम्मी को ज़िंदगी तंदरुस्ती दे, आप भी उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह अम्मी को सेहत वाली तंदरुस्ती वाली लंबी उम्र दे, आमीन सुनामी। तो बस अभी बच्चों को स्कूल से लेके आए हैं तो बच्चे आ गए हैं, अपना अपना फूड जो है एयर फ्रायर में रख चुके हैं तो मैं क्या चलो हूँ जेड़ा संडे मंडे का जेड़ा जेड़ा भी व्लॉग इकट्ठा होया ना इन्हों सब पाइए वीडियो बनाइए मास्टर में और इसको आप लोगों के साथ करें शेयर, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो फिर आप लोगों से मिलती हूँ, हाथ की सिचुएशन देख लें, पट्टी जो बैंडेज है वो वापस से लग चुकी है क्योंकि उसने बोला अब तो आपने बिल्कुल बहुत 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 ज़्यादा रेस्ट करनी है। तो मैं जो अपने लिए कल वाले चावल जो पड़े हुए हैं थोड़ी वो गर्म करती हूँ, तो पहले असर की नमाज पढ़ूंगी तो फिर उसके बाद ना अच्छा थोड़ा सा हलीम भी पड़ा हुआ है, हलीम बड़ा मज़े का था, हलीम भी मैं खा सकती हूँ लेकिन चले अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि अम्मी के घर ना उधर कोई दे के गया था, किसी ने पकाया था तो फिर अम्मी ने मुझे भी भेज दिया बल्कि मेरे साथ ही ले आए थे। तो अभी ये देखिए कल वाले चनों वाले चावल और इनके अंदर नूडल्स भी हैं वो मैं अपने लिए गर्म करती हूँ, बहुत मज़े के अम्मी ने बनाए थे तो वो मैं गर्म करती हूँ। तो उतनी देर में मैं ना दूसरी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो आप वो देखें, तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ एक मिनट में। जी आज बहुत देर के बाद ब्रेकफास्ट बनने लगा मेरे घर में, जब से ऑपरेशन हुआ है ना तब से, यानी कि कह लें 3-3.5 वीक के बाद। तो आज अमन कहते हैं कि आज हमने प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना है तो मैंने कहा चलो हम भी करते हैं फिर साथ में, नहीं तो मैं तो आजकल पोरी जी आपको पता है खाती हूँ अपना ओवर नाइट आउट। तो फिर मैंने एग्स निकाल लिए हैं मैंने और आमन ने, इतने बच्चे तो अपना अपना उठ के कर गए, सीरियल ही खाते हैं ज़्यादातर, तो वाफल्स भी निकाल लिए हैं मैंने, ब्रेड भी रखे हैं, अंडे भी पैन में डालते हैं तोड़ के, तो साथ में बनेंगी जी बींग। अमर अपने टमाटर खोल रहे हैं तो साथ ही मुँह बन गया कि कैमरा मेरी तरफ क्यों किया, तो चले नहीं क्योंकि मैं एक हाथ से एक डालूंगी तभी मैं अंडे डालूँ फिर आपसे मिली। अच्छा जी अंडे हमने डाल लिए हैं, पीछे आपको शोर आ रहा है, वॉशिंग मशीन लगी हुई है,
वीकेंड के काम शुरू हो ना। बट ईमान वन ब्रेकफास्ट शी वांट्स एंड शी वांट्स टी एंड टोस्ट और एनीथिंग। I hope all these gang ups ऊपर गई है और कोलो ब्रेसलेट का ऑर्डर लेके आ गई है। ये नहीं दे रही थिंकिंग माय गॉड तू कहीं इफ यू थिंकिंग अबाउट द एग इफ यू टर्न द पैन ऑफ यू नॉट गोना गेट द एग दैट मेरे और अमन के जो है एग्स जो है वो मैंने निकाली हैं बना के। ब्रेड को भी बटर लग गया। अभी मैंने वाफल्स और हैश ब्राउन डाले हैं। वाफल हैश ब्राउन बच्चे भी कहते हैं हम देंगे तो ये सारे ऐसे नहीं खाने ना समझियो कि मैं देते अमन देने तो ये बच्चों के भी हैं। तो एग्स जो हैं वो मेरे और अमन के इन्होंने कहते हैं फ्राई अभी सड़े यानी नहीं कहने हैं जदे होने चाहिए तो बस ये पकते हैं फिर इन्होंने भी प्लेट के कटते हैं बच्चों का भी देखते हैं। मैं अपने देते ना कैसे लो ना अच्छा मैं ड्रिंक वगैरह रख लूँ। अच्छा जी टेबल पे मैंने ब्रेकफास्ट रख लिया मेरा और अमर का तो माशाल्लाह अभी हम बैठ के करेंगे ब्रेकफास्ट। बड़ी देर बाद आज ब्रेकफास्ट करने लगे हैं जिदा जिदा दिल करता आ जाओ तो बिस्मिल्ला कर लें। चलो मिलती हैं तुम्हें। अच्छा जी नाश्ता करने के बाद काफ़ी देर बहुत हम लोग आ चुके थे मोरिसन ग्रॉसरी लेनी थी ग्रॉसरी करनी थी काफ़ी देर से नहीं आमर ही कर रहे थे मेरा जाना नहीं हो रहा था तो अज मैं कहा चलो मैनू भी नाल लैके जाओ मैं भी थोड़े नाल चलना जरा ग्रॉसरी करके आई है घर बह बह के मेरा भी बुरा हाल हो चुका है। तो यहाँ पर बस मैं फिर निकली कोई हमने तीन चार दिन पहले ही आमर सारी करके आए थे पर मैनू भी फिर सब्र नहीं ना आता फिर निकली हूँ बस एवं क्या कि दो चार चीज़ें चुकनियाँ दो चार चीज़ा चुकते चुकते 150 पौन जोड़ा माशाला हो गया सी। फिर मैंने कहा चले अब निकली हूँ तो जो जो चीज़ें यहाँ से मिलती हैं वो सारी ले चलना कोई चीज़ रह ना जाए तो इसलिए बस। अब फिर आपको पता ही है जब ग्रोसरी करने निकलो तो फिर औरतें जो होती हैं ना वो कोई चीज़ ऑफर पर होते बस उन्हें भी चुक लीए तो उन्हें भी चुक लीए तो उन्हें भी चुक लीए घर पड़ी चीज़ का क्या जाया जाता है। फिर मैं वेख्या जी इतने रेड अनियन भी घर थोड़े दो चार ही रह गए हैं कुकिंग ऑनियन जोड़े से यह भी थोड़े ही रह गए हुए थे। मैं कहा चलो फिर हूँ इन्हों भी चुको नाल ही चार पाँच पैकेट ये मैं ले लेती हूँ तो वीक डेढ़ आसानी से गुजर जाती है। रेड अनियन आपको पता है सैलड में खाए जाते हैं देखो सारा कुछ ही रहना पैना थी तो बस मुझे जो सुकून आता है ना वो बस दो तीन शॉपों से ग्रोसरी करके ही आता है। एक शॉप तो मैं करनी नहीं ना होंगी कुछ चीज़ें जो मैं मोरिसन से लेती हूँ कुछ मैं मार्क्स एंड स्पेंसर से लेती हूँ तो कुछ असी लें फार्म फूड तो मूंगफली भी आ चुकी है देखें जी नट्स भी आ चुके हैं। बस क्रिसमस आई है तो फिर समझो ठंड आई है तो फिर सारिया चीज़ों का जूसिस ड्रिंक्स इन्ने महंगे कसम नाल हो गए हुए हैं ना। पहले इतने का बड़ा होता था इनका डेढ़ डेढ़ दो लीटर वाला अभी ये छोटी बाटल इन्होंने इतने की लगाई हुई थी। मैं भी फिर अच्छी छोटियाँ चुकी हूँ मैं क्या चार पाँच जो चुको ये योगर्ट लस्सी जड़ी है गोरियाँ की है चुकी फिर बस इंज चुकते हैं चुकते हैं चुकते हैं चुकते हैं तो बस टेल तक पहुँचे हैं तो हाए मेरा दिल तो एडा वा बिल एक घरों में कह के निकली थी कि बस छोटी जी ग्रोसरी करनी है छोटी जी छोटिया जी दो चार चीज़ा पर फिर दो चार चीज़ा तो नहीं ना साड़िया होंगे चीज़ा भी फिर माशाला साड़िया लंबी ही हो जाए तो मैं क्या चलो फिर हूँ करनी है तो करनी करनी है तो फिर हूँ निकले हैं तो फिर सारा कुछ ही करो। ये देखें इन पर कोई ऑफर नहीं थी नॉर्मली जो 2 pound या 2 for समथिंग के लग जाते हैं आज इन्हों की प्राइस पूरी दी पूरी लगी थी। मैं फिर छोटे ही चुके मैं क्या वड्डियां नूं रहन दिओ चार जड़े चुकने ने छोटे चुक लो तो बस इंज लै लू के तो बच्चों की फिर पता स्कूल भी खुलना था स्कूल की चीज़ें भी लेनी थी क्योंकि मंडे यानी कि अज ओबियसली खुल गए हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज बच्चों का पहला दिन था वापस तो फिर उन्होंने लंच दियाँ चीज़ा भी सारा कुछ जो कुछ भी था वो भी उठाना था तो चलो अगर भी वेख Hold this. I get 175 with my thingy. The way you arrange the lot.
ड्रिंक्स वाली है। That's a very small pack. How much? ग्रोसरी तो हो गई तो फिर कल से बंफायर नाइट भी तो असं क्या चलो असं क्यों पिछे रही है असं भी अपन फुल चढ़िया जड़िया ने शौक पूरा कर ही लीए फुल चढ़िया असं भी थोड़िया बहुत जला ही लीए बच्चों के नाल फिर असं भी चार पाँच पैकेट लिया फुल चढ़िया ने असं भी फिर बाहर निकल के खूब फुल चढ़िया जलाइया बचपन याद किया अपने।